नमस्ते दोस्तों, हमारे चाल में आपका स्वागत है। आज हम लेह लद्दाख और कारगिल में चौथे दिन के सैर के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम नुब्रा घाटी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नुब्रा घाटी प्राकृतिक आश्चर्यों के बीच ऐतिहासिकता भारत के लद्दाख के राजसी परिदृश्य के भीतर स्थित आकर्षक नुब्रा घाटी स्थित है। ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के अवास्तविक मिश्रण के लिए जानी जाने वाली इस घाटी ने यात्रियों और इतिहासकारों के दिलों पर समान रूप से कब्जा कर लिया है। अपनी अनूठी भौगोलिक विशेषताओं, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शांत माहौल के साथ नुब्रा घाटी मानव जीवन और प्रकृति के चमत्कारों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के प्रमाण के रूप में खड़ी है। भौगोलिक चमत्कार, समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नुब्रा घाटी एक उच्च ऊंचाई वाला रेगिस्तान है जो ऊंचे हिमालय और ऊबड़ खाबड़ काराकोरम रेंज से घिरा हुआ है। नमस्कार, मी मकरंद कुंजीर, समर्थना टूर्स, सासवड, पुणे। टूर्स एंड ट्रॅव्हल सासवडच्या वतीनं आपणा सर्वांचं नुब्रा व्हॅली या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। जगामधलं हे सर्वात शीतवाळवंट आहेत आणि माझ्याबरोबर आहेत सुनील पाटील सर, त्याचबरोबर आदरणीय चन्नाप्पा हुल्ले सर, सोलापूरनाले सुनील पाटील नाशिकचे आहेत आणि हे कॅमल राईड करतायत। आपण समोर पाहताय हे सुंदर असं वाळवंट आहे, शोक नावाची नदी आहे। या शोक नावाच्या नदीमध्ये नुब्रा व्हॅली आहे आणि या नुब्रा व्हॅलीला हे फार सुंदर असं डेझर्ट आहे, हे थंड वाळवंट आहे। या ठिकाणी जवळजवळ 15-20 किलोमीटरवर पाकिस्तानची बॉर्डर आहे। ओके, तुर्तुक नाम आहे, हुंदार सँडूनला आपण आहोत। पा, आमचे मित्र चाललेत, आदरणीय पाटील सर, हुल्ले सर। आज निसर्गाचा अतिशय सुंदर असा देखावा आहे, जगातलं एक चांगल्या प्रकारचं आश्चर्य आहे हुंदार सँडूनला। पा, सगळ्या बाजूला ही व्हॅली आहे आणि व्हॅलीमधून ही सुंदर अशी शोक नदी वाहते जिचा उगम सियाचीनमध्ये झालेला आहे आणि पुढे जाऊन ते पाकिस्तानला जाते, सिंधू नदीला मिळते। धन्यवाद। जो चीज इस घाटी को वास्तव में असाधारण बनाती है वह है शोक और नुब्रा नदियों का संगम, जो बंजर परिदृश्यों के बीच जीवन के एक नखलिस्तान को जन्म देता है। रेत के टीलों, हरी भरी हरियाली और बर्फ से ढकी चोटियों के साथ विषम भूभाग एक ऐसा दृश्य पैदा करता है जो आगंतुकों को आश्चर्यचकित कर देता है। ऐतिहासिक महत्व, नुब्रा घाटी का ऐतिहासिक महत्व प्राचीन सिल्क रोड पर इसके स्थान से है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क है। व्यापारी, तीर्थयात्री और खोजकर्ता इन रास्तों से होकर अपने साथ संस्कृतियां, विचार और वस्तुएं लेकर आए। इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति ने इसे विविध प्रभावों के मिश्रण वाले बर्तन में बदल दिया और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे अभी भी स्थानीय रीति रिवाजों, वास्तुकला और परंपराओं में देखा जा सकता है। रिवर राफ्टिंग और लद्दाख सांस्कृतिक नृत्य दोनों रोमांचक अनुभव हैं जिनका आनंद आप आश्चर्यजनक नुब्रा घाटी में ले सकते हैं। श्री समर्थनाना टूर सेंट्रल सासवड यांच्या वतीनं नुब्रा व्हॅली या ठिकाणी हा लडाखी लोकांचा सुंदर असा डान्स आहे आणि या लडाखी लोकांच्या डान्समध्ये श्री समर्थनानाचे सुद्धा टुरिस्ट सहभागी झालेले आहेत। फार सुंदर असा हा लडाखी डान्स आहे। घाटी की प्राकृतिक सुंदरता रिवर राफ्टिंग रोमांच के लिए एक मनोरम पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है, जबकि लद्दाख के पारंपरिक नृत्य क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। दोनों गतिविधियों में भाग लेने से आप नुब्रा घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक जीवंतता में डूब जाएंगे। मठवासी चमत्कार, विस्मयकारी परिदृश्यों के बीच मठ घाटी की आध्यात्मिक विरासत के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। 14वीं सदी का दिस्कित मठ इसका प्रमुख उदाहरण है। इसकी मैत्रेय बुद्ध की विशाल मूर्ति और घाटी के मनोरम दृश्य तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करते हैं। हुंदर मठ एक और रत्न एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और चिंतन के लिए एक शांत स्थान प्रदान करता है। लेते हैं और निवासियों की गर्मजोशी भरी बातचीत के गवाह बनते हैं। प्राकृतिक चमत्कार, अपनी शुष्क उपस्थिति के बावजूद नुब्रा घाटी प्राकृतिक आश्चर्यों की एक श्रृंखला का दावा करती है। ठंडा रेगिस्तान हरे भरे गांवों और बगीचों से घिरा हुआ है जहां खुबानी और सेब जैसे फल उगते हैं। हंडर सैंड ड्यून्स जो आसपास के परिदृश्य से एकदम विपरीत है, ऊंट की सवारी और अविस्मरणीय सूर्यास्त के दृश्य पेश करता है। तुरतुक एक सुदूर गाँव जिसे हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया है,
इस क्षेत्र की प्राचीन सुंदरता और इसके निवासियों के आतिथ्य तक पहुंच प्रदान करता है। चुनौतियां और संरक्षण। जबकि नुब्रा घाटी का आकर्षण निर्विवाद है, बढ़ते पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने और आगंतुकों को इसके आकर्षण का अनुभव कराने के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए सतत पर्यटन प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं। अंत में, नुब्रा घाटी इतिहास और प्रकृति के बीच मनोरम परस्पर क्रिया का एक प्रमाण है। इसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले परिदृश्य सदियों की सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं से समृद्ध एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो विस्मय और आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करता है। जैसे जैसे यात्री इस छिपे हुए रत्न की खोज जारी रखते हैं, यह जरूरी है कि वे जिम्मेदारी की भावना के साथ ऐसा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्राकृतिक चमत्कारों के बीच ऐतिहासिकता आने वाली पीढ़ियों के लिए बरकरार रहे। भारतातील प्रसिद्ध पर्यटन ठिकाणी जाण्यासाठी श्री समर्थ नाना टूर्स व ट्रॅव्हल्स सासवडला संपर्क करा मोबाइल नंबर 9730445409। यह वीडियो हमें नासिक के श्री सुनील पाटिल के सौजन्य से प्राप्त हुआ। हमारा चाल उनका आभारी है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और नए अपलोडेड वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।